मेहनती लोगों के लिए सफलता की गारंटी है क्लासिक कॉलेज ऑफ लॉ अब बदायूं रोड बरेली में चल रहे 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के 7वें दिन शिविर का समापन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रहे राजीव लोचन मेहरोत्रा आज एक शिक्षक के रूप में विधि के छात्रों के बीच एक व्याख्यान देने बरेली आए। उन्होंने बताया कि अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखने का गुण अधिवक्ता के लिए बहुत जरूरी है। एक विधि छात्र को अपनी बात ऐसे रखनी चाहिए कि उसे अवसर पर सुनने अनायास ही विश्वास कर जाए। विधि के करियर को उन्होंने इस सदी का उत्कृष्ट करियर बताते हुए कहा कि सभी व्यवसाय में अधिवक्ताओं को अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। छात्रों को मूड कोर्ट प्रतियोगिताओं व अन्य सहपाठी परिचर्चाओं में रुचि रखनी चाहिए। विधि व्यवसाय में विधि के छात्रों को नई चुनौतियाँ आएंगी, परन्तु साथ ही बेहतरीन अवसर भी प्रस्तुत होंगे। आप देख रहे हैं बरेली की हलचल। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। कॉलेज के कोर्स को पढ़ने में या ये कहें कि एग्जामिनेशन के टाइम में जितनी आप मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत ये रोज करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि कल जो मुकदमे लगे हुए हैं अगर उसमें तैयारी पूरी नहीं की तो रेपुटेशन भी खराब होगी, क्लाइंट भी जाएगा और एक स्टेट अपनी ही नहीं लोग कहेंगे कि श्री बाबू आदरणीय रम्मी बाबू के बेटे ने भी ये बहस कर दी, क्या वो भी तैयार नहीं है? तो आपको अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जितनी मेहनत आप लोग एग्जामिनेशन में रोज करते हैं उससे ज्यादा मेहनत रोज इनको करनी पड़ती है। यही बोझ है वो भी रोज। अगर एडवोकेट ने बहस की है तो बहस अगर कोई नई बात की है तो फिर वो घर जाके पढ़ते हैं। क्लासिक लॉ कॉलेज में आ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि या मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि क्या लॉ क्लासेस भी स्मार्ट बनाए जा सकते हैं। अभी तक जो मेरी धारणा थी कि लॉ के स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे बैठते होंगे जैसे लेक्चर थिएटर्स में बच्चों को बैठा के पढ़ाया जाता है, लेकिन जो इस कॉलेज में जिस तरह से क्लासरूम्स बनाए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम बना के लेक्चर्स को भी एक तरह से और मॉडिफाई कैसे किया जाए, कैसे उसको और सुधारा जाए और कैसे उसको संरक्षित किया जाए, इस तरह का जो प्रोविज़न किया है वो क्रिएटिविल है। और न केवल इसमें कॉलेज के मैनेजमेंट का बल्कि इसमें कॉलेज के टीचर्स का भी काफ़ी योगदान है। कॉलेज मैनेजमेंट को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये ओरिजिन उनके दिमाग में आई और उन्होंने कहीं से जहां से भी इसको इवॉल्व किया, ये सच अद्वितीय है। और टीचर्स की मेहनत, बच्चों का उत्साह, बस आज सब देखने लायक था। कहाँ पर आए हुए हैं और क्या नाम है आपका? मैं राजीव लोचन मेहरोत्रा हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ शाहजहाँपुर को, लेकिन जुडिशियल सर्विस में था, हाई कोर्ट जज से रिटायर हुआ, सरकार के ओर से कुछ असाइनमेंट्स भी मिले जो चल रहे हैं, तो इधर से गुजरना मेरा आज हुआ। शीरीष भाई ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं आपके फादर का भी बहुत एडमायरर था शुरू से, मेरे लिए बहुत सम्मानित रहे हैं आदरणीय रम्मी बाबू साहब, तो हमने कहा कि और इनके कॉलेज के विषय में सुन रखा था, हमने देखा नहीं था कभी, तो सोचा कि आज मौका है, चल के इस अवसर पे इनका कॉलेज भी देखा जाए। कैसा लगा आपको आज कॉलेज? अद्वितीय है, अद्वितीय है। हमें नहीं लगता कि आसपास किसी और ज़िले में इतना शानदार कॉलेज होगा। कॉलेज का मतलब केवल बिल्डिंग नहीं होती, कॉलेज का मतलब वहाँ पे क्लासरूम्स कैसे बनाए आपने, टीचर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, ये विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट होता है और ये अनपैरलल अनपैरलल।